हेलो एवरीवन। बेटा आज बड़े दिनों के बाद सीबीएसई ने अल्टीमेटली न्यू सिलेबस अनाउंस कर ही दिया, जो सीबीएसई इतने टाइम से कह रहा था कि फर्स्ट टर्म के सिलेबस अलग होंगे, सेकंड टर्म के सिलेबस अलग होंगे। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारी बातें मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आपके इको बीएसटी में 11th क्लास में क्या चेंज आया। जरा समझो, सीबीएसई ने जो ये पैटर्न चेंज करा, कितने बच्चों को तो मुझे अब पता चला, पता ही नहीं है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। भैया क्या क्या कह रहे हैं सीबीएसई? सीबीएसई ने एक नोटिस पहले दे के बता दिया था, इस बार जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे 12th क्लास के भी जो बोर्ड्स हैं वो दो बार हो रहे हैं, ऐसे 11th क्लास के भी जो पेपर हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, दो टर्म्स में। एक है फर्स्ट टर्म, एक है सेकंड टर्म। इसका सिलेबस भी अलग होगा और इस सिलेबस में जो आप फर्स्ट टर्म में सिलेबस करोगे वो सेकंड टर्म में नहीं करोगे। जैसे आप सेकंड या थर्ड क्लास में होता था ना कि अगर 100% सिलेबस है तो 50% हाफ ईयरली में आएगा, ख़त्म, टाटा बाय बाय, और अगला 50% फाइनल में आएगा। ऐसा ही सेम टू सेम अब आपके साथ हो गया पहली बार 11th क्लास में। भैया मैंने तो पढ़ा ही नहीं, सर के ऊपर से जा रहा था सब। बेटा आप सब सर के अंदर से जाएगा। आप देखो क्या करा सीबीएसई ने। सीबीएसई ने कहा, मैंने 12th वालों के लिए अलग वीडियो बना दी, सब समझा दिया 12th वालों को इको और बीएससी के लिए, अब 11th वालों को बता दो। देखो बेटा, आपके अब जो फर्स्ट सम एग्ज़ाम्स होंगे, आपके दो टर्म बनाए सीबीएसई ने, एक फर्स्ट सम और एक सेकंड टर्म। भैया क्या फ़र्क है दोनों में समझो। बेटा आपके फर्स्ट सम एग्ज़ाम्स होंगे नवंबर या दिसंबर में, नवंबर में भी हो सकता है दिसंबर में भी, मुझे बेसिकली लगता है नवंबर में हो जाएगा। और सेकंड टर्म्स आपके एग्ज़ाम्स वही मार्च में होंगे जो मार्च में होते थे। उन्होंने क्या करा, जैसे आपकी 11th क्लास इको में, पहले 11th क्लास इको की बात कर लें, ध्यान से सुनना। 11th क्लास इको में सबको पता है बेटा, एक तो माइक्रो होती है, हाँ जी भैया, और एक है हमारी सेट्स। बेटा माइक्रो की चार यूनिट होती है, मैंने सब बच्चों को बता रखा है। यूनिट नंबर 1 में इंट्रोडक्शन आता है, यूनिट नंबर 2 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड आता है, यूनिट नंबर 3 में 5 छोटे छोटे चैप्टर आते हैं। भैया कौन कौन से? प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट, रिवेन्यू, सप्लाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और यूनिट नंबर 4 में मार्केट फॉर्म्स, और मार्केट फॉर्म्स के बाद इक्विलिब्रियम प्राइस, ये वाले चैप्टर आते हैं। सीबीएसई ने क्या करा सुनना, जो यूनिट नंबर 1 और जो यूनिट नंबर 2 है ये तो आपकी फर्स्ट टर्म्स में ले ली, फर्स्ट टर्म में इतना है बस आपका, मतलब जो नवंबर या दिसंबर में पेपर होगा तो बस माइक्रो का इतना ही काम आएगा, बस इतना ही आएगा पेपर में। और ये वाला कब आएगा? मार्च के पेपर में, और मार्च के पेपर में बस यही 50% आएगा। नवंबर के पेपर में ये नहीं आ सकता और मार्च के पेपर में यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं आ सकती। सिंपल सी बात है, आपके सिलेबस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और एक और बेटा जो मेन बात है, फर्स्ट सम के एग्जाम्स पता नहीं आपको फुल्ली एमसीक्यू होंगे, ये पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू का होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म सब्जेक्टिव होगा। अभी तक जो सीबीएसई कह रहा है, फर्स्ट सम एमसीक्यू 90 मिनट्स, 90 मिनट का पेपर होगा, फुल्ली एमसीक्यू, 40% इसकी वेटेज है, 40 नंबर का एग्जाम होगा आपका ये, 40 नंबर का आपका सेकेंड टर्म का फाइनल, और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क। पहले तो ये समझो बेटा, जो 100 नंबर पहले खाली फाइनल के इंक्लूड मेन होते थे, अब वो 40 नंबर फर्स्ट सम, 20 नंबर प्रोजेक्ट वर्क और 40 नंबर सेकंड टर्म, ये आपके पेपर होंगे ऐसे। 20 नंबर का प्रोजेक्ट, 40 फर्स्ट, 40 सेकंड। जो 40 नंबर फर्स्ट सम्स में आना है उसमें माइक्रो में तो बस ये चैप्टर आना है, इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड, और इस सेट्स में क्या आना है वो भी बता दूं मैं आपको। ये तो बढ़िया है, हाँ बेटा बढ़िया ही है, आपको तो पता होना चाहिए इस सेट्स में क्या रहा है वो भी सुन लो। पर भैया भैया अभी तो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं वो वैसे ही हो रहे हैं, पहले एमसीक्यू वाले और फिर सब्जेक्टिव काम में। बेटा काम में मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बेटा सीबीएसई ने आज 12th क्लास की जो नोटिफिकेशन निकाली है उसी के साथ आपका 11th क्लास का सिलेबस भी है। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता बेटा, मैं ये देखो बेटा ये सीबीएसई की वेबसाइट से मैंने सिलेबस डाउनलोड करा, ये टर्म वाइज सिलेबस है, ये फर्स्ट टर्म लिखा जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लिखा बेटा, जिसमें का ये 90 मिनट का होगा, 40 नंबर का होगा जो मैंने बताया,
जिसमें मैंने बताया बेटा माइक्रो के बस इंट्रोडक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएंगे और ये मार्क्स वही हैं जो पहले होते थे, और ये सेट्स के चैप्टर आएंगे नवंबर दिसंबर के एग्जाम्स में, जिसमें इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन आएगा। ये शुरू के जो वीके ओरी के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 10 चैप्टर तक जो ये हैं, ये सारे के सारे देखो, इंट्रोडक्शन 4 नंबर का, ये इतने सारे चैप्टर, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन 9 नंबर का, मेन मीडियम मोड 10 नंबर का। ठीक है बेटा, आज ही हुआ है वो एग्जाम्स। बेटा अब मुझे नहीं पता आपके स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, ये सीबीएसई ने देखो लिख दिया एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है जो मैंने आपको समझाया। बेटा ये इसलिए दिखाया कि प्रूफ, बेटा प्रूफ, तुम ये ना समझ लेना कि भैया ऐसे ही कुछ भी मन में आया बोले जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट वर्क है 20 नंबर का, 10 नंबर का फर्स्ट टर्म में जाएगा, 10 नंबर का सेकेंड टर्म में जाएगा, ये एक ही प्रोजेक्ट है। और बेटा इस पर तो इतनी लंबी लंबी गाइडलाइंस दे दी, बस क्या ही तो बोलूँ, क्या ही तो बोलूँ, क्या क्या कह दिया सीबीएसई ने भैया। तो लास्ट में टाइम कम मिलेगा सेकेंड टर्म के लिए, जतिन इसका भी आंसर देता हूँ भैया, कलरफुल पेन से समझा दो अच्छे से समझ आएगा। अब देखो जो कह रहे हैं कि भैया सेकेंड टर्म में कम एग्जाम टाइम मिलेगा, आज के हिसाब से तो दोनों में इक्वल इक्वल टाइम है, समझो बेटा आज के हिसाब से। देखो आज हम कहाँ पे है बेटा, मुझे तुम बताओ भैया, आज है 24 जुलाई जब सीबीएसई ये नोटिफिकेशन लेके आया, जुलाई को तो समझ लो खत्म टाटा। हमारे पे कितना टाइम है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहीं ना कहीं नवंबर में फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होने हैं, फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में सेकेंड टर्म के एग्जाम होने हैं। तो क्या इक्वल टाइम नहीं है, लगभग लगभग मोटा मोटी 3-3 महीने नहीं है। और बेटा ये हर एक बच्चे की विन विन सिचुएशन है, जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया अभी तक तो उसे करना क्या है, ये माइक्रो के इतने छुटके छुटके से चैप्टर, और इस सेट्स में तो मेन मीडियन मोड, और उससे पहले वो सारे इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन। बेटा जिसका हो गया उसको बस रिवाइज करना है, जिसका नहीं हुआ उसे एक बार करना है, विन विन सिचुएशन 3 महीने में, और ये बस 50% रेडी करो, काम खत्म नवंबर तक। भैया हमारे यूनिट्स के एग्जाम्स नहीं होंगे अब से, मतलब बेटा मुझे नहीं पता कि आपके यूनिट के होंगे नहीं होंगे, सीबीएसई क्या बोल रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ, 12th के तो ऐसे ही होंगे बेटा, 11th का जब सीबीएसई कह रहे, तो बेटा आपके स्कूल सीबीएसई तो है, तो बेटा ये देखो ये 50% यहाँ आएगा सिलेबस, और ये जो आखिरी का 50% है वो आपको कब करना है, जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद जब मार्च में पेपर होंगे, जिसमें क्या आना है, प्रोडक्शन फंक्शन, ये सारे छुटके छुटके से चैप्टर, और इस सेट्स में रह जाएगा हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर और कोरिलेशन, ये 40 नंबर के। ऐसे बेटा उन्होंने बिल्कुल चेंज किया है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बेटा बढ़िया ही है और क्या। लेकिन एक बात और, ये देखो मैंने आपको यूनिट 1 बता दी पूरी, देखो यूनिट 1 में 10 नंबर का प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट मिलेगा पूरे एकेडमिक सेशन में, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। ये बता रखा है बेटा टर्म नंबर 1 में, ये पूरा सिलेबस दे रखा है कि यूनिट जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक है टर्म 1 में, टर्म 2 में सेट्स के देखो चैप्टर, यही बताए थे बेटा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, और ये टर्म 2 में ये चैप्टर बताए थे मैंने। ये यूनिट नंबर 3 है हमारी, ये यूनिट 4 है, और देखो उसका प्रोजेक्ट के 10 नंबर मिलेंगे, फिर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन बेटा इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क पे भी गाइडलाइंस दी है, कह रहा है वो गाइडलाइंस सेम रहेगी जो 12th वालों को लिए दी है, क्योंकि 12th में भी 20 नंबर का प्रोजेक्ट आया, लेकिन प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा है। कि मैं शॉर्ट में बता दूँ, आपको एक प्रोजेक्ट डिसाइड करना है, अभी मैं दिखा दूँगा प्रोजेक्ट, वो टीचर से कंसल्ट करना है, टीचर में आपके उसमें गाइड करेगा, आपकी मदद करेगा, आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, ओरिजिनल प्रोजेक्ट, डुप्लीकेट नहीं चल सकता। उस प्रोजेक्ट के लिए पहले डाटा कलेक्ट करना है जो इस सेट्स में पढ़ते हो, फिर उस डाटा का ऑर्गेनाइजेशन करना है, फिर उसका प्रेजेंटेशन करना है उस डाटा का, फिर उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना है। टाइम दे रखा है कि भाई तुम शुरू के 3-4 महीने, मतलब नवंबर तक तो डाटा कलेक्ट करो और टॉपिक सेलेक्ट करो, फिर अगले 3 महीने उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज प्रेजेंट करो, और फिर उसकी प्रेजेंटेशन होगी इंटरनल एग्जामिनर के साथ, एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ,
बेटा बहुत डीप में गाइडलाइंस दी है प्रोजेक्ट की, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये गाइडलाइंस फॉलो होगी ना, तबाही हो जाएगी, तबाही बेटा तबाही। ऐसी ऐसी बातें लिख दी, पता नहीं आप करोगे या नहीं। तो भैया प्रोजेक्ट का टॉपिक कहाँ से मिलेगा? सब बताएगा, सब बताएंगे। लो बेटा पहले प्रोजेक्ट के तुम्हें ये दिखा दो, ये CBSE ने 11th क्लास के लिए प्रोजेक्ट के टॉपिक्स दे रखे हैं कि बच्चों को इन टॉपिक में से, या एक नाम दे दिया एनी अदर टॉपिक, काम ही ख़त्म, एनी अदर टॉपिक। भैया बच्चा एंग्जाइटी से ही मर जाएगा, ये करो वो करो। बेटा नहीं, आपको इतनी टेंशन नहीं दे रहे, आपको नहीं होने देंगे जतिन बेटा टेंशन। आपके लिए तो यार CBSE मदद कर रहा है, या सिलेबस कम कर दिया, मतलब कम इन द सेंस 50-50 रेडी करो, पहले 50 करो भूल जाओ, फिर 50 करो, तो जो फालतू का टाइम मिलेगा या तुम बच्चे फ्री हो जाओगे उसमें प्रोजेक्ट पे टाइम लगाओ ना। और हमें भी पता है यार तुम कितनी डीप में करने वाले हो। मैं अभी बातें बताऊँगा, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा जो मैंने बोला, सब प्रोजेक्ट के लिए गाइडलाइंस आई है, सब लिखा है इसमें। बाकी आप कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हो, सोलर एनर्जी ले सकते हो, बम्पर प्रोडक्शन ले सकते हो, या कोई भी अदर टॉपिक। तो भैया बस एक बात और बता दो, 12th के 2 बार बोर्ड्स हो रहे हैं इस बार? बेटा पता ही नहीं आपको अलीशा? बेटा ये तो 12th के तो पहले डिसाइड हो गए थे, 12th के 2 बार बोर्ड्स हो रहे हैं, जैसे 11th क्लास का ऐसे 12th का है। बेटा मैंने अलग से वीडियो बनाई है उस पर भैया। तो हाँ पता है भैया, हाँ भैया, तो आगे जाके क्या फ़ायदा होगा टर्म वन का, तो भूल जाएंगे सब। हाँ तो बेटा यही तो फ़ायदा है ना, जतिन आपके लिए बर्डन कम कर रहे हैं CBSE वाले, वो कह रहे हैं कि रटो मत, समझो और टाइम लगाओ अपना रिसर्च करने पे। एक बार नवंबर में हो रहे हैं और एक बार मार्च में। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रही है काम में, CBSE ने ये तो पहले ही बता दिया था। उनके लिए भी सेम टू सेम ऐसे ही, फर्स्ट एग्ज़ाम्स होगा MCQ 90 मिनट का, सेकंड एग्ज़ाम होगा मार्च में जो कि होगा 2 घंटे का सब्जेक्टिव, ना कि 3 घंटे का होगा। ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तबाह नहीं यार, इसे तो कहते हैं जज्बात बदल दिए, फीलिंग बदल दी और कुछ नहीं, लेकिन मजे कोई ज़िंदगी तबाह नहीं होगी, बहुत अच्छा चेंज है। बेटा आप जब किसी चीज़ के लिए कुछ कर नहीं सकते तो हमेशा उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो कि ये चेंज आपके बेनिफिट के लिए आया। मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दिखा दूँ, तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा है। भैया मेरे दिमाग में अर्थक्वेक आ गया, ओह माय गॉड। बाकी बच्चे बताओ यार, ऐसा कोई है कि CBSE ने कुछ गलत कोई कर दिया, बढ़िया चेंज नहीं लाया? देखो अभी तो तुम्हें दिखाऊंगा, ये देखना क्या क्या लिखा प्रोजेक्ट के बारे में। मैंने हर एक बैच में पढ़ाई है ये बातें, जब मैंने 12th ECO को बताया, 12th BSC को, अब तुम्हें बता रहा हूँ CBSE OP। भैया देखो प्रोजेक्ट वर्क, बेटा ये जो गाइडलाइंस बता रहा हूँ, नहीं भैया बढ़िया है, बेटा ये जो मैं गाइडलाइंस बता रहा हूँ बहुत सही करा, बहुत बढ़िया। मैं गाइडलाइंस, यही गाइडलाइंस 12th क्लास BSC में भी लगेगी, यही गाइडलाइंस 12th क्लास BSC में भी लगेगी। और 12th क्लास BSC में भी ऐसा होगा, फर्स्ट टर्म MCQ, सेकेंड टर्म आपका सब्जेक्टिव। भैया मुझे तो ब्रेन हेमरेज सा हो रहा है, भी डंगर ही रहेंगे हमारे बैच के बच्चे, हद होगी। कह रहे देखो ये हमारे जो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करोगे उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे सब बताया। टीचर का रोल होगा बेटा जब आप एक जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे, हर एक लर्नर को, मतलब हर एक बच्चे को टीचर टॉपिक सेलेक्ट करके देगा डिटेल डिस्कशन के बाद। टीचर आपके साथ फैसिलिटेटर बनेगा, टीचर आपको गाइड करेगा आपके प्रोजेक्ट में, टीचर आपकी मदद करेगा आपके रिसर्च में जिस पे भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, और बाकी बहुत कुछ लिखा है। टीचर आपकी मदद करेगा डाटा को जो आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई उसे प्रेजेंट करने में, वो आपकी प्रेजेंटेशन कराएगा प्रोजेक्ट फाइल की। टीचर ये देखो आपको ऐसे प्रोजेक्ट बनाने हैं, डाटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालाइज, रेलेवेंट कंक्लूजन, फिर उसका प्रेजेंटेशन, ये सब आप बच्चों को, बेटा आप बच्चों को करना है भैया हमें। हाँ जी प्रोजेक्ट वर्क जो आप बनाओगे वो PPT की फॉर्म में होगा, एग्जीबिशन, एल्बम, फाइल, सॉन्ग, प्रोजेक्ट की बात हो रही है, डांस, कल्चर शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। कह रहे ये जो प्रोजेक्ट बनाएंगे बच्चे, स्कूल के टीचर कहाँ कर लेंगे इतना सब, बेटा पता नहीं। भैया आपको रोल समझेंगे हम स्कूल वाले, मैम से पूछेंगे तो हमें RIP होना चाहिए। बेटा देख लो ये स्कूल के टीचर्स से कुछ एक्सपेक्टेशन है थोड़ी सी, है ना, ज़्यादा नहीं है,
ये कुछ एक्सपेक्टेशन है भैया, सिर्फ इतना रोल होगा टीचर का, हाँ बस इतना ही रोल होगा बेटा, और कुछ नहीं बेटा। अभी तो तुम और भी हंस सकते हो, जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा ना एक पूरे साल का, उन्होंने इसके लिए टाइम फ्रेम किया है, कह रहा हमारे यहाँ के बच्चे इतने मेहनती है, 3 महीने तो हमारे बच्चे, ये देखो बेटा जो ये प्रोजेक्ट है ना आपका 20 नंबर का, टर्म 1 में 10 नंबर है, टर्म 2 में 10 नंबर है, टर्म 1 में कह रहे 3 महीने बच्चा जुलाई अगस्त सितंबर खाली टॉपिक सिलेक्शन करने में लगाएगा, हमारा बच्चा 3 महीने सोचेगा मुझे किस पे फाइल बनानी है। हाँ जी भाई हम सोचेंगे, हाँ तुम सोचोगे, 2 महीने तुम उस पर प्लानिंग करोगे, फिजिबिलिटी करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, फिर तुम्हारा एक बार इंटरनल एग्जामिनर एग्जाम लेगा कि अच्छा हाँ भाई डाटा कलेक्ट कर लिया जिस पे टॉपिक बनानी है अक्टूबर नवंबर में, फिर तुम 2 महीने डाटा को एनालाइज करने पे लगाओगे और इंटरप्रिटेशन में, और फिर तुम्हारा फाइनल असेसमेंट होगा तुम बच्चों का, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर आपकी सारी बातों को चेक करेगा, आपका वाइवा होगा। देखो इंटरनल एग्जामिनर ये इंश्योर करेगा कि जो आपने स्टडी सबमिट करी है आप बच्चों ने वो ओरिजिनल वर्क था या नहीं, अगर कुछ गड़बड़ी लगती है आपके एग्जामिनर को तो आपकी ऑथेंटिसिटी को भी चेक किया जाएगा कि भाई काम सही कर रहा था या नहीं, बेटा बहुत कुछ लिख दिया इन्होंने तो कुल मिला के ऐसे। और बेटा ये सेम बातें बीएससी के प्रोजेक्ट में भी लगेगी, और बीएससी के प्रोजेक्ट में तो बहुत लंबी कहानी दे दी इन्होंने, वह क्या ही तो बताऊँ तुम्हें भैया, टीचर घंटा मदद नहीं करता, ए भाई बताओ भैया हमारे मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक लाइट्स तो फॉलो नहीं करते, सीबीएसई की कौन सुनेगा, बच्चों ने तो मजाक ले लिया यार। भैया मैं जा रही हूँ संन्यास लेने, इतने में तो मैं पूरे मुजफ्फरनगर का प्रोजेक्ट बना दूँगी। अब बेटा ये देखो जो सीबीएसई ने लिखा, इको के तो फिर भी इजी टॉपिक है बेटा, बीएससी में ये सारी बातों के साथ अगर बीएससी के मैं शॉर्ट में आपको बात बताऊँ, बीएससी के भी 2 ही डिवीज़न हुए हैं, लेकिन उसके डिवीज़न क्या हैं, फर्स्ट सम में आपके 6 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट सम में आपके 6 चैप्टर आएंगे जो सीबीएसई करवा रहा है, ये फर्स्ट सम में 6 चैप्टर आ रहे हैं आपके, और सेकंड टर्म में बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आएंगे। ये भी 40 नंबर का पोस्ट पेपर होगा, 40 मार्क्स का एमसीक्यू 90 मिनट का, वो चैप्टर बता रखे हैं कि फर्स्ट 6 चैप्टर कौन कौन से, कौन कौन सी यूनिट है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, और क्लियरली लिखा 11th क्लास के बिजनेस स्टडी में एक प्रोजेक्ट बनाने उसी तरीके से जो 12th क्लास की गाइडलाइंस है जो मैंने समझाई। ये सेकंड टर्म का सिलेबस हो गया, गाइडलाइंस तो हमने पढ़ाई दी आपको, दोनों की कॉमन गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के अलावा तुम्हें प्रोजेक्ट दिखाऊं तुम्हारे, बेटा इतनी लंबी कहानी लिखी ना 11th क्लास के प्रोजेक्ट के ऊपर, इस पर एक अलग से 2-3 घंटे में बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं बता दूँ बहुत बहुत डीप में उन्होंने कहा कि बच्चा 4 में से 1 टॉपिक डिस्कस करेगा। ये देखो क्लास 11th में जो टीचर है वो बच्चों को मदद करेगा एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने में, प्रोजेक्ट आप ग्रुप या इंडिविजुअली कैसे भी कर सकते हो, आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे प्रोजेक्ट में जो कि 2 इक्वल टर्म्स में डिवाइड होंगे 10-10 नंबर के। अब भाई तुम हंसना मत, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट हो सकता है फील्ड में विजिट करने का कि किसी हैंडीक्राफ्ट यूनिट जाना है, किसी इंडस्ट्री जाना है, होलसेल मार्केट जाना है, स्टोर जाना है, मॉल जाना है, और वहाँ जाके ये पता नहीं क्या क्या चेक करना है, बस पूछो मत। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए हैं 4 कि या तो विजिट करके ये चीज़ें चेक करना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चले जाना या इंडस्ट्री चले जाना, इस पर एक अलग से 1 घंटे का डिस्कशन हो सकता है कि आप मॉल में चले जाना, या आप एक प्रोडक्ट पर केस स्टडी कर सकते हैं हमारे 11th क्लास का बच्चा कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सीजनल और रेगुलर डिमांड रहती है कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एप्पल बहुत फेमस है, नागपुर के ऑरेंज बहुत फेमस है, तो इनके ये पॉइंट स्टडी करना, बहुत कुछ लिखा सीबीएसई ने। ऐसे अलग अलग 4 प्रोजेक्ट दिए हैं जिसमें से आपको 1 सिलेक्ट करके ये 5 में से 1 सिलेक्ट करोगे। भैया सही में हम ये करेंगे? हाँ बेटा आप ये करोगे, इस पर अभी हम अगर डिस्कशन करेंगे तो किसी और दिन करेंगे, बहुत ज़्यादा टॉपिक दे दिए, इतने तो 12th क्लास इको में भी नहीं, 12th क्लास बीएससी में भी नहीं, जितने 11th क्लास बीएससी के टॉपिक देती है। अब बच्चे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं हम मुझे इसी बात को लेके। भैया सब कुछ सही लग रहा है, बस ये टीचर वाली बात बढ़िया नहीं लगी, ओह माय गॉड। हर सब्जेक्ट में है प्रोजेक्ट बेटा, इको बीएससी में तो है भूमि, मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट का,
भैया जो भी समर वेकेशन में इको का प्रोजेक्ट बना के दिया था उसका क्या होगा, सब बर्बाद, पैसा बर्बाद जतिन? नहीं, एक बात और बताऊं, एक लिख दिया ना इन्होंने इलेवेंथ क्लास के बीएसटी में, सॉरी इलेवेंथ क्लास के इको में, देखो मैं रीड करा दूं, एनी अदर टॉपिक, स्कूल के टीचर इलेवेंथ क्लास की इको में कोई भी टॉपिक दे सकते हैं। भैया ये पीडीएफ भेज दो व्हाट्सएप पर या ऐप पर डाल दो। ओके बेटा, मैंने लिंक भेज दिया था। वैसे भैया पढ़ने का मूड गया आज तो, ओ माय गॉड यार, इतनी सारी बातें बताई, तुम्हारा मूड ही चला गया। भैया मैंगोस कर लेंगे यूपी के, फील्ड इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो चप्पल फेंक कर मारेंगे वो लोग। भाई यार तुम सीबीएसई को मजाक ले रहे हो, भाई ये नहीं समझ आ रहा, सीबीएसई ने इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए गाइडलाइंस बनाई है कि हमारे यहाँ के बच्चे देखो कितने, हमारे यहाँ के बच्चों के लिए टाइमलाइन बनाई है कि जो वो प्रोजेक्ट करेंगे टाइम से करेंगे, 3 महीने का वो डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर वो उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ये देखो यार तुम मजाक ले रहे हो, 3 महीने तो हमारे यहाँ बच्चों को हमने कलेक्शन के लिए दिए हैं, सॉरी डाटा को सिलेक्ट करने के लिए, फिर कलेक्शन के लिए, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो। मुझे पता है हमारे यहाँ के बच्चे अगर 1 अगस्त को प्रोजेक्ट सबमिट कराना हो तो 31 जुलाई को तो दोस्त को फ़ोन करके पूछते हैं भाई कहाँ है तुम, जरा प्रोजेक्ट बनाने। ऐसे बच्चों से ऐसी उम्मीद कहाँ लगा दी सीबीएसई ने। चलो भैया थोड़ा तो बोझ कम हुआ, भैया सीबीएसई ने खुद अपना मजाक बना लिया, आप प्रोजेक्ट में गाइड कर देना। बेटा मैं तो कर ही दूंगा, सीबीएसई ने बस एक अच्छा काम किया, 2 टर्म्स लाके। चलो सीबीएसई वाले फील्ड इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे। आई होप सो बेटा सबको बात समझ में आ गई कि पैटर्न क्या चेंज आया, समराइज समझ में आ गया ना। 2 टर्म में आपके एग्जाम्स हैं, फर्स्ट सेकंड, 20 नंबर का प्रोजेक्ट, 10 नंबर यहाँ गया, 10 नंबर यहाँ गया, ये एमसीक्यू होंगे 90 मिनट के, 40 नंबर का पेपर, ये 40 प्लस 10, ये 2 घंटे का पेपर होगा सब्जेक्टिव। दिस इज द चेंज इन द 11th एंड 12th क्लास पेपर। हाँ भैया बस आप प्रोजेक्ट में गाइड जरूर कर देना। अच्छा ओके, आई होप सो ये सारी बातें समझ में आ गई, कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लोगे, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि क्या क्या कब कब सिलेबस में आएगा। तो भैया 12th में 2 बार आएंगे बोर्ड्स का रिजल्ट, हाँ मतलब हम तो घर गए ऊपर से रिलेटिव बैठे होंगे पूछने को। हाँ बेटा ये सेम पैटर्न 12th में, जो भी है बढ़िया ही है, वेरी गुड, हाँ जी बहुत ही बढ़िया।